सोमवार के दिन जिलाधिकारी दिनेश कुमार राय के निर्देश पर 3 सदस्यीय टीम कर्मवा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में जन वितरण दुकानदार संबंधित जांच कर रही है। कर्मवा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में आक्रोशित उपभोक्ताओं ने जन वितरण दुकानदार सुखदेव प्रसाद के विरुद्ध एक आवेदन दिया है, जिस पर उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर और निशान कर दिए गए थे। इसी आलोक में मंझौलिया प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी जयप्रकाश मौर्य, मंझौलिया सौरभ कुमार चनपटिया, राजेश कुमार सिंह बेरिया के द्वारा वार्ड नंबर 7 के उपभोक्ताओं की जांच की गई, जिसमें कई अनियमितताएं उजागर हुई। 3 सदस्यीय टीम ने बताया कि जन वितरण दुकानदार सुखदेव प्रसाद की दुकान पर जाने पर वो अपना जन वितरण दुकान बंद करके फरार है। विभाग उन्हें कल भी जन वितरण दुकान की जांच कर सकती है। वहीं 3 सदस्यीय टीम को शिकायत मिली थी कि बहुत से लाभुकों को 2-3 माह से पर्ची निकालकर खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं की गई है, जिसके एवज में ये छापेमारी की गई है और जांच की जा रही है। आरोपी जन वितरण दुकानदार से सेल फोन पर संपर्क साधने पर संपर्क नहीं हो पाया है। मैं R9 भारत संवाददाता मझौलिया से मनीष कुमार। इस समय प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती इलाका है, जो पूर्वी चंपारण से सटे हुए क्रमुआ पंचायत है। यहाँ पर करीब 4 डीलर हैं इस पंचायत में, जो है बहुत पुराने सुखदेव डीलर सुखदेव कुशवाहा जो यहाँ का जन वितरण दुकानदार हैं, उनके द्वारा यहाँ के उपभोक्ताओं को, यह 7 नंबर वार्ड है जहाँ पर ये सब जाँच चल रही है, उनके द्वारा 2-3 माह से पर्ची काट दी गई है और लोगों को राशन नहीं दी गई है। इसी के संबंध में आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया को आवेदन दी गई है, जिनके आलोक में यहाँ 3 सदस्यीय MO की टीम यहाँ 7 नंबर वार्ड में जांच कर रही है। जो एक मझौलिया के तो हैं MO है ये हैं, जो और चनपटिया और बैरिया के MO यहाँ पर जन वितरण दुकानदार की जांच कर रहे हैं, जो वार्ड नंबर 7 है। यहाँ पर पंचायत समिति सदस्य विनोद जी यहाँ उपलब्ध हैं, इनसे समझेंगे कि यह कैसे कैसे क्या क्या मामला है जो आप लोग यहाँ पर आवेदन क्या सवेरे सवेरे निकलते हैं अपने पंचायत में अंदर भ्रमण करते हैं, वहाँ पर हम लोग जाते हैं तो जनता लोग को बोला गया कि आप लोग रहते हुए भी पंचायत में हम लोग का राशन कार्ड 3-3 महीना का बाकी है, आप लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, काहे नहीं करते हैं, तो हम इस पर कड़ी मैंने व्यवस्था के प्लस पूछताछ की है, पूछताछ की है। फिर हम सोचे कि एक आवेदन जनता से ही लिखवा कर जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया गया, जिला पदाधिकारी का आवेदन दिया गया। उस देने के बाद जाँच टीम आई हुई है, जाँच कर रही है, यहाँ पर तो विरोध जाँच हो रहा है, टीम के लोग सारे दुकानदार है क्या, उनका क्या व्यवहार? व्यवहार अच्छा नहीं है उनका, ये सब जनता बोल रहे हैं कि द्वार पर जाते हैं राशन के लिए तो बोलते हैं कि भाग जाओ द्वार पर से, अभी राशन नहीं देंगे, हमारे काम को समय मिलेगा तब देंगे। कोई माह का राशन? 3-3 महीना बता रहे हैं, 3-4 महीना सब लोग बता अपना। हम पंचायत समिति विनोद कुमार चौधरी, मझोलिया से मनीष कुमार की रिपोर्ट।